गाइज वेलकम टू द व्लॉग। आज हम लोग दिल्ली में नहीं हैं, हम कहीं और हैं। वी आर एट मन्नत ढाबा ऑन रूट समवेयर। कहाँ जा रहे हैं, किस नहीं जा रहे हैं, आपको पता लग चुका होगा ऑलरेडी, सरप्राइज बट पता लग चुका होगा बिकॉज ऑफ द टाइटल एंड एवरीथिंग। बट इवन देन वी आर ऑन आवर वे। बर्फ देखनी थी, काफ़ी टाइम से हमारा प्लान हो रहा था ना एडी। हाँ, कब से हो रहा था? कम से कम 10-15 दिन से। एग्जैक्टली 10-15 दिन से प्लान हो रहा था कि बर्फ़ देखने जाना है, बर्फ़ देखने जाना है, बट जा नहीं पा रहे थे। फाइनली आज हम दोनों तो हैं ही, बाकी दो लड़के भी हैं, उनको हमने देखा होगा ब्लॉग में, वो भी सिगरेट पीने गए हैं। तो हमने कहा कि फटाफट ब्लॉग शुरू कर देते हैं बिकॉज उन्होंने कहा था अगर आप हमारे बिना ब्लॉग शुरू करोगे तो देख लेना ये वो। तो हमने कहा देखते हैं क्या होता है। तो विल टेक यू अराउंड एंड कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बर्फ़ मिलती या नहीं मिलती, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग यू नो क्वेश्चन इन माई माइंड। ऑफकोर्स बर्फ़ है ऊपर बट कहाँ मिलेगी एग्जैक्टली वो देखना बाकी है। एडी ऑल सेट? गुड, चलते हैं अभी यहाँ से, लंच करने रुके हैं। व्हाट इज द टाइम एडी, मैं बता देगा? ऑलमोस्ट 3, एग्जैक्टली 3:01 PM एंड अभी यहाँ से लंच करके निकलेंगे। और बर्फ़ कहाँ एग्जैक्टली मिलती है, कहाँ नहीं, विल कीप यू अपडेटेड। एंड दिस गाइज आर हियर आफ्टर हैविंग देयर स्मोक। इंट्रो करा दो, मैं हेलमेट में होता हूँ। क्या खा रहे हैं अभी दिखाता हूँ, कुछ कुछ तो ऑर्डर किया है, आई मीन पराठे, डोसा, वट एवर वी हैव ऑर्डर्ड। एक छोटा सा मेरे को रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, ये जो मन्नत का लोगो आप लोगों ने देखा ना, जो M लिखा हुआ है, दैट लोगो आई थिंक डिनोट समथिंग एल्स एज वेल। मुझे याद नहीं आ रहा क्या है वो लोगो। स्काई आ गया, स्काई शायद बता पाए। स्काई वो M जो लोगो है लगता है ना कहीं देखा हुआ है हमने। हाँ, वो एक्चुअली मेरे को किसी ना किसी चीज़ से कॉपी किया है एंड आई वॉन्ट कि हम चाहते हैं कि पता है, वी आर सो क्यूरियस कि ये किस चीज़ का है। कोई किसी को पता है तो यार कमेंट छोड़ दो नीचे। का है जहाँ तक मुझे लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है यार। आई सर्च ऑन गूगल, मेरे को मिला नहीं, बट वी नो फॉर श्योर किसी का तो है। और दादा एक बात पे लड़ाई हो जाएगी, बताओ। पहले तो स्मोक करने गया, उस पे वीडियो शुरू कर दिया बनाया, मेरी गैर मैं एम दिखा रहा था, ये वो छोड़ सब। अब तो वॉशरूम भी नहीं जा सकते, बारिश आ रही है, लग गई है। फैंटास्टिक, दैट इज अ गुड साइन। हिमांशु का छुप छुप के देख रहा है। हाय हिमांशु, हाउ वाज द फूड? ये वी मत किया कर, अभी बर्फ मिली नहीं है। व्हेन वी फाइंड बर्फ वी विल शो यू द वी। तो अभी यहां से निकलने, फूड वाज प्रीटी गुड एक्चुअली। अच्छा था ना? या इन्होंने दो कुलचे पेले हैं, एडिट ने दो पराठे पेले हैं। हां, आई लव इट। अभी सब सोने वाले हैं यहां पे, गाड़ी कौन चलाएगा पता नहीं। मैंने क्या खाया? तूने और मैंने तो साउथ इंडियन खाया है। साउथ वेरी लाइट बिकॉज़ इट्स वेरी लाइट व्हाइल ड्राइविंग और ट्रैवल करने में। इन दोनों को पीछे बिठाते हैं, इन दोनों को सुलाते हैं। अब ये दोनों पीछे बैठेंगे और हम दोनों आगे चलेंगे। एब्सोल्युटली, चलो लेट्स गो, लेट्स रॉक इट गाइस। So I was just checking the weather of Shimla. It's raining right now, and I am just being hopeful that ये जो बारिश है रात तक बर्फ़ पे तब्दील हो जाए, because there are chances of snowfall. वही देख के actually हमने ये plan बनाया था इस trip का, because अगर snow नहीं देगी हिमाचल में यार तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो हम क्यों ना ढाबा जाके बैठ जाए, है ना Sky? मतलब अगर snow ही नहीं मिली, so we are being very hopeful because मौसम जो है यहाँ पे भी थोड़ी सी drizzling चालू हो गई है। It's 5:15 in the evening. We have just crossed Karnal. We are damn excited for absolutely, snowfall. Absolutely, it should take us about I don't know maybe 5 odd hours more to reach Shimla. In the क्या बात कर रहे हो? Live snowfall. Low. Okay, we are getting a live update. Shimla के अंदर इस समय बर्फ हो रही है. So there you go. There you go. We have just spoken to somebody and Shimla में already snowfall हो रही है as we record this video 5:15 in the evening. So, So, हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मपुर। ठंड थोड़ी सी बड़ी है इसलिए जैकेट बाहर आया है, ऑल्दो इनको ठंड शायद नहीं लगती। स्काई भी यहाँ पे है, अभी सिगरेट फूंक रहा था नहीं बट हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं अभी हमारा जो
सामना जो हुआ था एक्चुअल में वो बहुत ही तेज बारिश से हुआ था एंड इट वाज यहां पे पीछे बॉनफायर लगा के एक फैमिली एंजॉय भी कर रही है. सो वी हैव स्टॉप्ड एट दिस पंजाब ढाबा एंड प्रॉब्ली हम यहाँ डिनर करेंगे बिकॉज रात को हम पहुँचेंगे 10:30-11 बजे या मे बी इवन लेटर देन दैट. एंड उस टाइम पे होटल ढूंढना फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंडली होटल ढूंढ के वहाँ डिनर करना इज़ अ बिग पेन इन द बैक साइड ऑफ आवर्स. सो अभी वी हैव डिनर. रैंडम बंदे आ रहे हैं यहाँ पे व्लॉग में अभी रैंडम ही हम तो. सो अभी डिनर करने वाले हैं. डिनर पे क्या करेंगे आई हैव नो आइडिया. वी हैव नॉट गॉन इन. बस अभी चलते हैं डिनर करते हैं और आगे का रास्ता आपको दिखाएंगे. रास्ता क्या दिखाएंगे इट्स डार्क नाउ आउटसाइड सो कैमरा में तो रिकॉर्ड शायद ना हो पाए बट ये गाली गलौज कर रहा है बट दैट्स ओके. तो हम लोग खाना खा चुके हैं. वी हैड सम ग्रेट फूड. सिंपल फूड दाल चना चने की सब्जी राजमा एंड येलो दाल ऑफ कोर्स विद रोटीज. इट वॉज रियली रियली नाइस. वी वर वेरी वेरी हंग्री. अभी मैं यहाँ पे आग सेक रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि मैं नीचे बैठ के क्या कर रहा हूँ. ऑल्सो आज लोहरी है सो हैप्पी लोहरी एवरीबडी. आई होप यू गाइज आर विथ योर फैमिली सेलिब्रेटिंग लोहरी विथ योर फैमिली एंड लव्ड वंस. इट इज़ अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल. तो या अभी यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ. शिमला अभी यहाँ से दूर है. अभी हमारी डेस्टिनेशन जो है अभी यहाँ से दूर है. तो बस खाना खा लिया है बिकॉज वी वर रियली रियली हंग्री एंड वी कुडंट रियली वेट दस फार कि यू नो शिमला जाके होटल लेने के बाद हम डिनर करें. डिनर हमारा हो चुका है. प्रॉब्ली विल बाय अ कपल ऑफ बॉटल ऑफ वाटर और समथिंग और सम कोल्ड ड्रिंक्स एंड देन मूव अहेड बिकॉज रात को अगर होटल में जाके भूख लगेगी ना तो वहाँ पे कुछ खाना मिलेगा नहीं 10:30-11 बजे. तो हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्नैक्स या कुछ खरीद के ले जाएंगे बिकॉज ठंड में वहाँ पे कुछ मिलना नहीं है और वैसे भी इतनी रात को कुछ खुला होना नहीं है. तो बस अभी यही है. थोड़ी देर आग सेकता हूँ मे बी अनदर 2-3 मिनट्स एंड देन वील लीव फॉर शिमला. चलते हैं आगे और शिमला जब जाएंगे ना होटल जब मिलेगा आई विल प्रॉब्ली मीट यू डायरेक्टली इन द होटल इटसेल्फ. गाड़ी में बहुत ज़्यादा मिस्ट हो गई है तो एडी जो है वो साफ़ कर रहा है गाड़ी को टिश्यू पेपर से. ठंड बढ़ गई है बट इट्स गोइंग टू बी रियली रियली फन. एडी थक गया है. एडी पोस्ट कार्ड भेजेगा. यस विल गो टू कहाँ जाएंगे दादा. इक्किम जाएंगे जावा चला के और वहाँ पे पोस्ट कार्ड भेजेंगे और हमारी मम्मी पूछेगी बेटा कहाँ जा रहे हो तो हम बोले मम्मी पोस्ट कार्ड भेजने. तो मम्मी बोलेगी बीप 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 बेटा तुमसे गोल्ड डाक खाना तो जाए नहीं जा रहा साले इक्किम जाओ. सो हिक्किम इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड. तो मैं एडी को भी बता रहा था कि एडी हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड है हिक्किम. वहाँ जाएंगे बाइक चला के और वहाँ से ना जनरली लोग एक पोस्ट कार्ड भेजते हैं अपने घर की तरफ घर को कुछ भी लिख के लाइक आई वॉज हियर और व्हाटएवर. तो वो मैं एडी को प्रपोज कर रहा था वो प्लान कि एडी ऐसा कुछ कर सकते हैं. दैट वॉज हिज एग्जैक्ट रिप्लाई कि हिक्किम चलेंगे पोस्ट कार्ड डालने वो भी बाइक पे. सो वी हैव रीच्ड अ होटल. ये होटल अभी शिमला में नहीं है. इट्स समवेयर ऑन रूट शिमला. इट्स कॉल्ड होटल हाईवे ग्लोरी. इफ आई कैन शो यू राइट देयर होटल हाईवे ग्लोरी. सो वी आर स्टॉपिंग हियर बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11 इन द नाइट और इस वक्त शिमला जाना होटल ढूंढना इज़ अ पेन यू नो इज़ अ पेन. सो आज यहाँ रुकेंगे एंड इट्स बीन रेनिंग कॉन्स्टेंटली और प्रॉब्ली सुबह वंस वी चेक आउट और समथिंग विल मूव टूवर्ड्स कुफरी और जहाँ तक बर्फ़ मिलती है वहाँ तक विल ड्राइव. अभी के लिए विल चेक इन द होटल दिस क्यूट लिटिल होटल एंड देन विल शो यू व्हाट द रूम इज़ लाइक एंड हाउ यू नो एंटायर प्लेस लुक्स लाइक. अभी नहीं रात को सुबह. अभी के लिए लेट्स चेक इन द होटल. This is our hotel. Thanks to Sky. He knew this guy. तू कब से जानता है इसको Sky? मेरे को 5-6 साल हो गया मैं यहाँ आता हूँ. इससे हमेशा यहीं पे आता है. ये तब आता हूँ मैं जब इमरजेंसी होती है जब मेरे को पता ही कहीं कुछ होने नहीं वाला. तो अभी 11:30-11 बज गए थे तो वी सजेस्टेड हम लोग सबने प्लान किया कि शिमला ना जाके यहीं पे कमरा ले लेते हैं बिकॉज रात को वहाँ पहुँचना और रूम ढूंढना इज अ पेन. मेरा आइडिया था ये वैसे. है ना. तो अब कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से. अभी सामान वामान लाते हैं यार थोड़ा चिल करते हैं रूम में बिकॉज वी आर ऑल वेरी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव. वेल इट वॉज नॉट रियली टायरिंग एज सच बट मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जरूर हो जाता है. तो रूम्स मैंने दिखा दिए आपको. हिमांशु और एडी नीचे आएंगे और यहाँ का व्यू सुबह दिखेगा.
तो अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव बैग्स लाने. मेरा बैग मैं ला चुका हूँ, स्काई का, हिमांशु का और एडी का बैग है. हाँ हाँ हाँ, पहाड़ों में चढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ और है, स्पेशली ऐसे ठंड में. इट्स अबाउट 1 डिग्री.